हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल। आज हम बात करने वाले इसरो के बारे में, इसरो के प्रोग्राम्स के बारे में, इसरो के नए मिशंस के बारे में और इसरो के कमाल के बारे में, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इसरो का नाम बोलता है। लेकिन इसरो होता क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, इसरो का जब शुरुआत हुई थी तो वो इसरो के नाम से नहीं हुई थी। उसका जब गवर्नमेंट ने 1962 में उसकी एक छोटी सी कमेटी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनको स्पार्क नाम की एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन जब इसरो को और बड़ा किया गया और नए प्रोग्राम्स उस पर लाए गए तो उसको चेंज करके उसका नाम रख दिया गया। 15 अगस्त 1969 को इसका नाम चेंज किया और इसकी एक बड़ी सी पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसका नाम दिया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो मेन मुख्य कार्यकर्ता थे उनका नाम था विक्रम साराभाई, जो इसमें मेन रोल लीड कर रहे थे इसरो को बनाने में, जिसकी वजह से आज उनको इसरो का फादर भी कहा जाता है, मतलब इसरो का जनक कहा जाता है। और 15 अगस्त नई डेट होने की वजह से इसरो अपना बर्थडे इंडिपेंडेंस डे के दिन भी शेयर करता है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर इसरो ऐसा क्या काम करता है, क्या स्पेसिफिक ऐसा काम करता है जिसके वजह से इसरो का इतना नाम होता है पूरे देश में। गाइस, इसरो कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें डेवलप करता है, जैसे कि हो गए सैटेलाइट्स डेवलप करता है और कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप करता है, टूल्स डेवलप करता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसका नाम है। जैसे कि आप नेविगेशन सिस्टम डेवलप करता है, वेदर फॉरकास्ट सिस्टम डेवलप करता है, डिसास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, जब बाढ़ वाढ़ आ जाती है तो वो पहले से ही बता देते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, या कोई तूफान या आंधी आने वाली होती है तो पहले से पता चल जाता है, तो ऐसे सिस्टम भी डेवलप करता है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी डेवलप करता है और आर्मी के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, नेविगेशन सिस्टम होता है, इन सब चीज़ों को डेवलप करता है, जैसे कि जो कि हमारे देश के डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदे में रहती हैं। और जो हमारा मेन काम होता है वो होता है कि हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम होता है। इसरो का इतना ही काम नहीं है कि सिर्फ सैटेलाइट्स को डेवलप करना और उनको स्पेस तक पहुंचाना। इसरो का मेन काम है पूरे स्पेस को एक्सप्लोर करना, वहां की नई जानकारियां लेके आना। जैसे कि जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि वैसे तो इसरो ने बहुत सारे अचीवमेंट किए, लेकिन ये इनमें से ही कुछ एक है कि जो चंद्रयान था उसने पूरी दुनिया में सबसे पहले बताया था कि मून के अंदर पानी है। उनकी मून की सतह के अंदर उसने पूरे प्रूफ के साथ भेजा था कि मून के अंदर पानी है, जिसकी वजह से भारत दुनिया में पहला देश बन गया था जिसने बताया था कि मून के अंदर पानी है। इंडिया ने इसरो में सबसे पहली सैटेलाइट जो लॉन्च की थी वो थी आर्यभट्ट। गाइस, 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की। हर बच्चे ने अपने जीके की किताब में जरूर पढ़ा होगा आर्यभट्ट का नाम, वो यही आर्यभट्ट सैटेलाइट थी जो इंडिया ने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट बनाई थी। और इसको लॉन्च करने के लिए हमने रशिया की मदद ली थी, जिसे उस समय पे हम लोग सोवियत यूनियन कहते थे, बाद में टूट के वो रशिया हो गए, इसलिए आज हम उसे रशिया की मदद से लेते। क्यों हमने रशिया की मदद इसलिए ली थी? क्योंकि हमारे पास कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं था। लॉन्च व्हीकल हम रॉकेट नहीं था हमारे पास कोई भी, जिसकी वजह से हम पृथ्वी से स्पेस तक अपनी सैटेलाइट को लेके जाके, इसलिए हमने रशिया की मदद ली थी उस समय पे। इंडिया अभी तक सैटेलाइट्स अपनी बनाने में तो सक्षम हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके पास कोई भी रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था खुद का, जिसकी वजह से वो खुद के सैटेलाइट खुद ही अपने देश के अंदर लॉन्च करे, उसे दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी। और उसके बाद रिसर्च चलती रही, तो लेकिन जब SLV-3 बना, जिसके डायरेक्टर खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। RS-1 जो सैटेलाइट थी उसके अंदर रख के SLV-3 जो रॉकेट था उसको सक्सेसफुली लॉन्च कराया, जिसके बाद इसरो दुनिया में छठी स्पेस एजेंसी बन गई जिसके पास खुद की सैटेलाइट्स बनाने की भी क्षमता थी और उसको खुद लॉन्च करने की भी क्षमता थी, स्पेस तक कोई भी सैटेलाइट को ले जाने की क्षमता रखने वाला छठा स्पेस सेंटर बन गया इसरो। इसरो के पास दो मेन टाइप के लॉन्चिंग व्हीकल्स या रॉकेट्स हैं, पहला है PSLV और दूसरा है GSLV। पहला है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। गाइस, PSLV का यूज इसरो छोटे सैटेलाइट्स या हल्के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज करता है। इसरो ने PSLV की मदद से अपने इंडिया के लिए 48 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, और फॉरेन कंट्रीज से जो बाहर से कोई कहता है अगर हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो, तो PSLV से 209 सैटेलाइट से ज़्यादा को हमने लॉन्च किया है PSLV की मदद से। और जो दूसरा रॉकेट है जिसका नाम है GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। गाइस, इस रॉकेट का यूज़ हम भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वजन में भारी होती है और जो अर्थ से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती हैं। उस ऑर्बिट पे हमें अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हम GSLV रॉकेट का यूज़ करते हैं। भारत दुनिया के लिए और दूसरे देशों के लिए
अलग अलग सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करता है, मतलब पृथ्वी से स्पेस तक दूसरी देशों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करता है, जिसकी वजह से भारत करोड़ों रुपए कमाता है इसमें। और भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का। इसरो सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है कि वो सैटेलाइट्स बनाता है और दूसरे देशों के लिए और अपने लिए सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। इसरो ने कई सारे ऐसे फेमस मिशंस किए हैं जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशंस के मिशंस है। जैसे कि जो सबसे फेमस इसरो के स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन थे वो थे चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन। अगर हम चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान के दो मिशन है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। पहले हम चंद्रयान की बात करते हैं, चंद्रयान 1 की। गाइस चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था PSLV रॉकेट के द्वारा, और ये एक अनमैन्ड मिशन था जिसमें कोई इंसान नहीं गया था, सिर्फ सिर्फ एक अनमैन्ड व्हीकल गया था। चंद्रयान 1 ने 400 से ज़्यादा ऑर्बिट किए थे मून के अराउंड, और जिसकी वजह से इसने पता लगाया था कि मून में पानी है, जिसकी वजह से भारत दुनिया का पहला देश बना था जिसने चांद में पानी की खोज करी थी। गाइस चंद्रयान 1 ने 29 अगस्त 2009 को इससे कनेक्शन कट होने की वजह से ये मिशन वहीं बंद हो गया था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उतने ही समय में इसने अपना 95% काम पूरा कर लिया था। गाइस चंद्रयान 1 अभी तक का सबसे सस्ता मिशन मून मिशन में से एक है, जो कि 298 करोड़ रुपए में हुआ था, जो कि अभी तक का जितने भी मून मिशन हुए हैं उनमें से सबसे सस्ता मून मिशन है। चंद्रयान 2 की बात करते हैं, गाइस 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था PSLV रॉकेट की मदद से। गाइस इसके चार फेज बनाए गए थे, ये चार फेज में काम करने वाला था। पहला था लॉन्चर जिसकी मदद से ये मून तक जाएगा, उसके बाद था ऑर्बिटर जो मून के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा, तीसरा था विक्रम लैंडर जो कि मून के सरफेस पे उतरने वाला था, और चौथा था प्रज्ञान रोवर जो कि मून के सरफेस में उसकी स्टडी करके इसरो को भेजने वाला था। लेकिन ये जो पूरा प्लान था 7.5 साल का था, 7.5 ईयर्स का प्लान था कि इतने टाइम तक काम करने वाला है चंद्रयान 2। लेकिन क्या हुआ कि ये सिर्फ 1 साल 7 महीने 14 दिन के लिए ही काम कर पाया। क्या हुआ, विक्रम लैंडर में दिक्कत होने की वजह से वो अपनी टेरिटरी से बाहर निकल गया और दूसरी जगह पे क्रैश लैंडिंग कर दी उसने। और इसमें जब बाद में पता चला तो इसरो की तरफ से न्यूज़ आई कि सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत होने की वजह से विक्रम लैंडर अपने क्रैश लैंडिंग कर पाया, तो प्रज्ञान रोवर का कोई सवाल ही नहीं होता। तो 6 सितंबर 2019 को ये मिशन ख़त्म हो गया। चंद्रयान 2 के पूरा ना होने की वजह से इस बार इसरो ने नवंबर 2019 को कह दिया था कि हम चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे, और इस बार जापान की मदद से करेंगे हम लोग, और इसको एक बार री अटेम्प्ट करेंगे, इसकी लैंडिंग को री अटेम्प्ट करेंगे और इसको एक बार फिर से टेस्ट करके देखा जाएगा। इसरो अपने मिशंस को सबसे सस्ते दामों में और सबसे अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से करने के लिए जाना जाता है। इसरो एक लौता डिपार्टमेंट है पूरे इंडिया में जिसने आज तक कभी लॉस नहीं जनरेट किया, कभी भी इसरो अपने डिपार्टमेंट को लॉस में नहीं लेके गया। चलिए अब बात करते हैं इसरो के मोस्ट फेमस मिशंस में से एक मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम लोग मंगलयान के नाम से भी जानते हैं। गाइस मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, और मंगलयान ने मार्स के ऑर्बिटर पे 24 सितंबर 2014 को ये ऑर्बिट करने लगा था, ऑर्बिट करना शुरू कर दिया था सक्सेसफुली। इसके बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था जिसने मार्स के ऑर्बिटर को अचीव किया था, और एशिया का पहला देश बना था जिसने मार्स के ऑर्बिटर को अचीव किया था। इसके पहले दुनिया में पहला कोई भी देश नहीं है जिसने पहली अटेम्प्ट में मार्स तक पहुँचा हो। भारत दुनिया का पहला देश है जो अपने पहले अटेम्प्ट में मार्स तक पहुँचा। इसके पहले अमेरिका ने 5 बार, यूरोपियन यूनियन ने 8 बार कोशिश की, तब भी वो लोग पहुंच 8 बार के बाद पहुंच पाए, और रूस और चाइना थे वो अपने पहले अटेम्प्ट में नहीं पहुंच पाए थे। भारत ही अकेला एक देश था जिसने मार्स को पहले अटेम्प्ट में अचीव किया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसरो अपने मिशंस को बहुत ही सस्ते दामों में करने के लिए जाना जाता है। मंगलयान दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन में से एक था, इसके पहले इतना सस्ता मार्स मिशन आज तक किसी ने नहीं किया। जब बात करते हैं इसरो के कुछ फ्यूचर मिशंस के बारे में, गाइस पहला मिशन है गगनयान, जो कि मोस्ट एम्बिशियस मिशंस में से एक है इसरो का। गाइस ये एक फुल्ली मैन होने वाला है जिसमें खुद इंडिया के एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेसक्राफ्ट के अंदर। गाइस इसको ऐसा प्लान किया गया है कि जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऑर्बिट पर रोटेट करने वाला है, और उसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे, उनको लेके जाएगा और उनको वापस लाएगा। गाइस इसको इसरो दिसंबर 2021 में प्लान करने का सोच रहा है, और ये मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है।
गाइज अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो कि सक्षम हो जाएगा अपने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक ले जाने में और वापस ले आने में, क्योंकि अभी इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना ही इसमें सक्सेसफुल हो पाए हैं। इसरो का जो सेकेंड सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो है आदित्य L1। गाइस आदित्य L1 सैटेलाइट को इसरो जनवरी 2021 में लॉन्च करने वाला है। L1 इसलिए इसका नाम रखा गया है कि सन में जो ऑर्बिट है उसमें एक जगह है L1, उस जगह पे आदित्य L1 को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और इसमें मेन काम रहेगा आदित्य L1 सैटेलाइट का कि वहां पर सन की जितने भी एलिमेंट्स है, सन की लेयर्स है, उनके ट्रोपोस्फेयर है और इनकी लेयर्स को स्टडी करना, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उनको इसरो तक पहुंचना कि वो इसरो पूरी दुनिया को वो इंफॉर्मेशन दे। नेक्स्ट मिशन है मंगलयान 2। गाइज मंगलयान 1 के सक्सेसफुल होने के बाद अब इसरो का मार्स के ऊपर फोकस है मंगलयान 2 के लिए। गाइज मंगलयान 2 में ऐसा रहेगा कि एक लैंडर भी रहने वाला है इसमें और एक रोवर भी रहने वाला है। रोवर मार्स के सरफेस में जाएगा और वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वहाँ की इंफॉर्मेशन को स्टडी करेगा और इसरो तक भेजने का काम करेगा। गाइज मंगलयान 2 को हमारे पहले से अच्छे GSLV रॉकेट से ही हम लॉन्च करने वाले हैं इसे। तो नेक्स्ट मिशन है उसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। गाइज ये एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनाई गई है। ये दुनिया की सबसे महंगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में से होने वाली, जिसकी पूरी कॉस्ट होगी $1.5 बिलियन की होने वाली। गाइज इसको हम अर्थ में जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जा रहा है, जैसे कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, सुनामी, फ्लड, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रोसेस होती है उनको ऑब्जर्व करेगा और इसरो और नासा तक भेजेगा, क्योंकि ये एक इसरो और नासा का जॉइंट वेंचर मिशन है जिसे इसरो और नासा एक साथ मिलकर कर रही है। और गाइज इसका जो डेटा होगा वो कुछ दिन बाद पब्लिक कर दिया जाएगा कि आम लोग भी इसको देख सके, जिसके बाद से जो हम लोगों की स्पेस से अर्थ को देखने की इमेज बनी हुई है वो बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एडवांस होने वाला है कि आम लोगों के लिए ये डेटा पब्लिक हो जाएगा तो बिल्कुल ही हमारा नज़रिया बदलने वाला है इसे देखने का। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट या मिशन रहने वाला है इसरो के लिए वो है इसरो के लिए रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाना। गाइस बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि SpaceX हो गई इलोन मस्क की, वो आज रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाने में सक्षम हो चुकी, तो इसरो के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने लिए रीयूजेबल रॉकेट्स को बना लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी कॉस्ट नहीं घटेगी सैटेलाइट को लॉन्च करने की तब तक हम किसी भी दूसरे मिशन के लिए पैसे नहीं उसमें डाल पाएंगे। तो हमारे लिए अगर रीयूजेबल रॉकेट्स बन जाते हैं तो हमें दूसरे मिशन में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला, क्योंकि रीयूजेबल जो रॉकेट्स होते हैं वो किसी भी सैटेलाइट की लॉन्च की जो कॉस्ट होती है उसे 10% तक घटा देते हैं, जिसकी वजह से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से और भी नए लोग आना चाहते हैं और अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कराना चाहते हैं। जो इसरो का नेक्स्ट मिशन है वो है शुक्रयान 1। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसके कि ये वीनस की स्टडी के लिए बनाया गया है शुक्रयान 1। गाइस शुक्रयान 1 के अंदर बहुत सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ फॉरेन की कंट्रीज के भी इंस्ट्रूमेंट लगे रहेंगे, जैसे कि फ्रांस और रशिया के पेलोड लगे रहने वाले हैं इसमें और नासा के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे रहेंगे। गाइस शुक्रयान 1 का मेन काम होगा कि उसके सरफेस की, एटमॉस्फेयर की, एलिमेंट्स की और उसके नेचुरल फिनोमिनन्स की स्टडी करना और वो इसरो तक पहुंचाना। इसरो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के काम ही नहीं करता बल्कि कई सारे ऐसे सैटेलाइट्स भी बना रहा है जो कि हमारे देश के लिए काम आ सकते हैं, हमारे पूरी वर्ल्ड के लिए काम आ सकते हैं, जैसे कि वेदर सैटेलाइट्स बना रहा है इसरो, कमर्शियल सैटेलाइट्स बना रहा है, मिलिट्री सैटेलाइट्स बना रहा है, हमारा खुद का स्पेस शटल बनाने की तैयारी कर रहा है इसरो। तो मतलब इसरो सिर्फ एक ही चीजों में नहीं लगा हुआ है कि जैसे हर स्पेस एजेंसी एक दूसरे के पीछे भागती है, जैसे कोई मार्स का मिशन कर रहा है तो सारी स्पेस एजेंसीज मार्स का मिशन करने लगती है, इसरो अलग अलग चीजों में काम करता है और उनमें नाम कमाता है, इसी वजह से इसरो का काफी आगे रहता है स्पेस की दौड़ में। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइज ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम पे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।